हेलो गाइस, आई एम पूजा एंड हमेशा की तरह मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। गाइस, मैं देखिए काफ़ी सारी वीडियो मेडिटेशन पे बना चुकी हूँ, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बना चुकी हूँ। तो आज भी मेरा थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। किसी ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ इस पे वीडियो करिए, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए अपने विचार रखती हूँ। आपको पता ही है कि हमेशा बस मैं अपनी थॉट्स अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, तो वो ही मैं आज करूँगी। गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला विजुलाइजेशन को लेके मैम आप वीडियो बनाइए, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप सब कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली विजुलाइज होता है। आप सोच रहे हैं ना कि आपने जो सोचा, तो हमारी आंखों के बैक साइड लाइक हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में हर जगह हिडन कैमराज होते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं, आप उनको देख नहीं सकते। बट अगर आप कोई चीज़ आंख बंद करके, जैसे हम बोलते हैं कि प्यार एक फीलिंग्स होती है, राइट, हम आंखें बंद करके फील कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें अंदर ही अंदर उसकी डिज़ायर पैदा हो जाती है कि हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे कार खरीदने की, सपोज़ कोई कार खरीदना चाहता है तो उसके दिमाग में हमेशा वही रहता रहता है, भाई लोन कैसे लेना है, कैश कैसे तैयार करना है, कैसे कहाँ किस जगह से लेना है, कौन सी कार लेना है ना। तो एक डेढ़ महीना तो उसका इसी में चल जाता है, उसको हमेशा यही सपने आते रहते हैं उठते सोते जागते कि हाँ कि मेरे को कौन सी कार लेनी है। वो चार लोगों से बातें करता है, वो चार लोग भी उसे चार तरह की कारें बताते हैं, ये ले लो, ये नहीं, ये अच्छी होगी, इसका एवरेज अच्छा नहीं है, ये है ना। तो तरह तरह की मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन मेन क्या होता है, कार खरीदना। तो जब तक वो कार खरीद नहीं लेते तब तक वो हमारी वही हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो ऑटोमेटिकली विजुलाइज हो रहा है गाइस, क्योंकि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप जिस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं वो ऑटोमेटिकली विजुलाइज होने लग जाती है, ट्रस्ट मी। ये फील करके देखिए, आप कुछ अलग से नहीं हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड, मैंने कहा था एक बच्चे की तरह होता है जिसको आपको हमेशा बहुत ही पोलाइटली बहुत प्योरली हैंडल करना होता है। तो आपको करना बस यही है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो आपकी डिज़ायरेबल चीज़ होनी चाहिए, लाइक वो एक उसके लिए आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। और जब इंटेंशन प्योर होता है और आपकी जो मेहनत होती है वो ईमानदार वाली होती है, तो आपको सक्सेस हमेशा मिलती है गाइज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने के लिए मतलब नहीं मिलेगी, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाना ही आपकी मेन परीक्षा होती है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, कुछ बुक्स को पढ़ के क्वालिफाई करना, वो आपका रियल सक्सेस नहीं होता गाइस। आपको लगता है कि आप अच्छे से डॉक्टर बन गए, अच्छे से इंजीनियर बन गए, अच्छे से लॉयर बन गए, तो लाइफ खत्म हो गया, टारगेट पूरा, कभी नहीं। तब तो जर्नी शुरू होती है। आप अपनी समझ से, आपकी अपने कॉन्सेंट्रेशन से, आपके माइंड से आप जो डिसीजन लेते हैं उन डिसीजंस को फॉलो करते हैं, अपने दिमाग को वो मैसेज देते हैं आपकी, वो अफर्मेशन जो मैंने अफर्मेशन का आपका वीडियो बनाया था, वो अफर्मेशन देते हैं आप और वो ऑटोमेटिकली विजुलाइज हो रही है। अब मैं आपको अगर चाहते हो कि और क्या करना है, तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसको अपने अंदर सोचिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जिसमें आप कार वाली बात कर रही थी, जैसे ही घर में कार आ जाती है ऐसे सेटिस्फेक्शन हो जाता है, फिर प्लान्स बनने लग जाते हैं, अरे हम तो अब यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर लाइफ में नया टारगेट आ जाता है, अरे कार तो होगी घर में, अब कुछ और लिया जाए, है ना। तो ऐसे ही इच्छाओं का तो कोई अंत होता ही नहीं है, तो विजुलाइजेशन भी कभी स्टॉप हो ही नहीं सकता। आपको पता ही नहीं है कि आप हर चीज़ को विजुलाइज करते हैं। आपके साथ बुरी चीज़ें क्यों होने लग जाती हैं, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, आपके अंदर के डर की वजह से। आप अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और नेगेटिव थॉट्स को इतना ज़्यादा बना मतलब अपने दिमाग में सोचते जाते हैं कि वही आपके साथ होने लग जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूँगी, अगर आप एक चीज़ अच्छी सोच रहे हैं तो उसको इतना अच्छा सोचिए। अगर आपको दिमाग पर जोर डालना है तो सच में ऐसा सोचिए कि आप वो चीज़ पार कर चुके हैं, लाइक आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आई हैव डन इट, ये मत बोलिए आई एम डूइंग दिस एंड आई विल डू इट, आप बोलिए आई हैव डन दिस। क्योंकि आपके माइंड में अगर ये सोचिए ये काम निपट चुका है, हो चुका है, तो देखिए आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपके काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। क्योंकि आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी मेहनत लगा देते हैं,
सिर्फ सोचना नहीं, आप सभी सोचे कि बस आपने ऐसे दिमाग में सोचा और वो चीज रियल हो जाएगी, वो होगी लेकिन आपकी मेहनत से। और आप कुछ ऐसे ही बैठे हैं तो बर्बादी का जश्न आपने सोच रहा कि बर्बादी होगी तो हो ही जाएगी ना। तो एफर्ट्स तो मानने पड़ेंगे, लेकिन विजुलाइजेशन का मतलब है जो चीज आप अच्छे से विजुलाइज करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होने लग जाती है। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है कब रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, पहले आप चीजों को सही से करिए, उनको अपने जीवन में उतारिए। जब तक आप अपने ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, ढंग से चीजों को हैंडल नहीं करेंगे तो कैसे सोच सकते हैं कि रिजल्ट मिले। तो डिजायरेबल रिजल्ट्स के लिए आपको हर चीज पे ध्यान देना होता है, जिसमें से एक है विजुलाइजेशन। इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है, अपने माइंड को ये अफर्मेशन देनी है कि मेरा माइंड एकदम काम है, मैं एक प्योर सोल हूँ और मैं जो भी लाइफ में मतलब पाना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल चुका है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। देखिए गाइस, अगर आप ये सोचोगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो चुका है तो नेचुरली सब चीज़ें उसकी तरफ फॉरवर्ड होने लगती हैं, मूव होने लग जाती है, तो आप बिल्कुल अच्छा फील करते हैं। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हो। तो विजुलाइजेशन के लिए बस इतना ही मैं बोलूँगी, बाकी बहुत बेसिक चीज़ है क्योंकि आप लोग इसी को नहीं सोचते हैं और इसका स्टैंडर्डाइजेशन उसमें कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड मिल जाए। स्टैंडर्ड खुद से बनाना होता है और अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो मिलती जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।